हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं निकल रहा हूँ कुछ ऐसा कराने के लिए गाड़ी में, जो मैं आपको रास्ते में बताऊंगा मैं क्या करा रहा हूँ। तो अभी मतलब अभी जगा हूँ थोड़ी देर पहले। तो टाइम हो चुका है, आई थिंक 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। तो मैं अब मतलब आध घंटे में मैं निकलूंगा, मतलब अभी मैं जो जा रहा हूँ नहाने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मैं वैसे कपड़े हैं, तो नहाने के बाद मिलता हूँ तुम्हें, तैयार एकदम रेडी। तो उसके लिए आगे ब्लॉग पर बनी रही है, देखते रहिए मैं कहाँ जा रहा हूँ किस लिए। और हाँ, जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ना पहुँचे। तो मिलते हैं और आगे। ये हो रहा है, हम तैयार, तो तैयार हो चुके हैं, चेन लगा लेते हैं। जब तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मेरी खड़ी हुई गाड़ी, इसमें यहाँ कवर में मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैं अभी बाहर हूँ, तो तैयार हो चुका हूँ मोस्टली। तो अब बस हम थोड़ी देर में निकलूंगा मैं, बस निकलने के बाद मैं आपको हाईवे पे मिलूंगा रास्ते में। तो मिलते हैं वीडियो में। तो आगे देखो वीडियो को, आगे एंजॉय कीजिए। तो मैं जो बताया मैंने, गाड़ी के काम से जा रहा हूँ। तो फाइनली हमने पड़वा लिया पेट्रोल, तो हम निकलते हैं अलीगढ़ की तरफ। तो आज का जो ब्लॉग है वो अलीगढ़ के लिए कुछ गाड़ी पे कुछ ऐसा करवाना है। तो गाड़ी पे कराएंगे लेमिनेशन, तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है लेमिनेशन कराने में गाड़ी पे। अभी तो हमने फ्यूल टैंक फुल कराया था, इसका मतलब फुल नहीं कराया, हाफ कराया। कुछ ऑयल पहले से था, कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने ओनली 200 रुपीज़ का पड़वाया है। ज़्यादा जाना, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, 21 से 22 किलोमीटर दूर है ओनली बस। तो निकल चुके हैं, आप देखते रहिए। नॉर्मली स्पीड पे चलेंगे, ज़्यादा स्पीड पकड़नी नहीं है हमें, कवर करनी नहीं है, जो कि हमें एकदम नॉर्मल स्पीड पर। अगर वहाँ पे अगर हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, अगर लेमिनेशन हो जाती है तो बेटर है, अगर नहीं होती तो कोई बात ही नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी मैं फर्स्ट टाइम बाइक, न्यू बाइक पर राइड कर रहा हूँ, तो बताना ब्लॉग कैसा लगता है। ये छोटा सा ब्लॉग होगा, ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा लंबा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 मिनट का होगा खींच के। तो हमें जाना तो अलीगढ़ ही है बस, और कहीं जाना नहीं है। तो इसकी गाड़ी का भी स्पीड देखिए, तो नॉर्मली 55 की स्पीड पे चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। गाड़ी का जो हैंडलिंग है बहुत ही औसम है, मैं क्या बताऊँ, हैंडलिंग पावर है बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब। और प्लस गाड़ी सही है, गाड़ी अच्छी है बहुत ही, मतलब ज़्यादा ये नहीं कि कहना मैं, वो गाड़ी अच्छी है, कंफर्ट गाड़ी है, सीट भी सही है, यानी कि ज़्यादा चलाने में भी अच्छी लग रही है, फिर साइड मिरर वगैरह सब कुछ ऑल ओके। एक्चुअली मैंने आपको बताया था, मतलब मुझे इसका जो पर्पस था खरीदने का यही था बस, कि फाइनली के ये कि जो ये गाड़ी है मेरे बजट की है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे खरीदा। जो और इसके जो कंपेरिजन में है हिमालयन, वो गाड़ी इससे और भी अच्छी है सब चीज़ में। तो वो ये पड़ती है 200 सीसी में, वो पड़ती है आपकी 411 सीसी में। तो अंदर तो है ही है, आपको लगेगा कि हाँ अंदर तो गाड़ी में है ही है, 411 एंड 200 सीसी में, 211 सीसी का फर्क है। तो गाड़ी में उसमें दम ज़्यादा होगा, उसका जो RPM वगैरह सब कुछ मस्त है। एक्चुअली भी मैंने नया यूट्यूब चैनल ही चालू किया है, और जिसका नाम मैंने रखा है, नॉर्मली नाम है रेहान शर्मा, रेहान शर्मा के नाम से है, ये नहीं कि ज़्यादा वो चाहता हूँ कि अगर साथ अगर वो हो जाए थोड़ा फेमस तो मज़ा आ जाए। मैं सोच रहा था मैं लेमिनेशन इसलिए शुरू करानी सोच रहा, क्योंकि अगर मैं तो लेमिनेशन करूँगा तो स्क्रेचेस वगैरह होते हैं बाहर, हम जो राइड करते हैं लंबी रूट की, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसे उछट के कंकड़ी वगैरह लग जाती हैं। तो मुझे सजेस्ट किया था कि लेमिनेशन कराना बेटर है, थोड़ा सा खर्चा आएगा बट, लेकिन कोई नहीं, हम देख लेंगे। लेकिन लेमिनेशन ज़रूरी है, अगर लेमिनेशन नहीं होगी तो गाड़ी वो मज़ेदार ही नहीं है।
आई थिंक अभी बज रहा है 1:30 बज रहा है, 1:25 हो रखे हैं घड़ी में। ये है हनुमान जी का मंदिर। तो फाइनली मैं अभी पहुंच चुका हूँ मंगलायतन। ये हनुमान चौकी है इधर आपकी मंगलायतन की। ये आपका यहाँ पर है, ये शायद वाटर पार्क बन रहा है वाटर बालाजी रिजॉर्ट वालों का। और इधर ये आपका मंगलायतन है सारा। ये मंगलायतन बोलू हाँ। ये देख ले बाहर से, देख ले तूने दिस वन, रोक के दिखाऊं अंदर एंट्री नहीं हो रही बाहर है, अंदर एंट्री नहीं है, हाँ बंद हो रखा है सारा। ये DPS अपना दिस वन। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अलीगढ़। तो अभी हम हैं सासी गेट पर। ये है अलीगढ़ का सासनी गेट। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक मिलता है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर ये चौराहा है, गोल चक्कर है, इस वजह से यहाँ ट्रैफिक है। बहुत सोच समझ के यहाँ गाड़ी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पता नहीं लोग बेवड़े हैं, अरे कहाँ से कहाँ चले आए देव, कुछ पता नहीं है। बहुत बाप रे बाप, क्या ट्रैफ, क्या चलाते हैं गाड़ी यार, हद है किस चीज़ की। ऑटो वाले तो ज़्यादा परेशान करते हैं पता नहीं क्यों, ऑटो वालों पे ज़्यादा ही कुछ है। बोलो तू अलीगढ़ कब से नहीं आया? मैं जब आ रहा था सामान लेने आए थे। किसका? अच्छा 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 ओके ओके। उसके बाद पता नहीं कुछ ध्यान नहीं है। हाँ तभी आया होगा जब घर का काम चला था, उसके बाद कहाँ तू आया होगा अलीगढ़। नहीं फिर बाबा के टाइम पे अलीगढ़ होके गए थे ना। बाबा के टाइम पे देख रहे हो कितना ट्रैफिक है अलीगढ़ में, इतना ट्रैफिक है बाप रे बाप, कुछ कह नहीं सकते। बहुत समझ के बोलो, एक ट्रैफिक कितना देख रहा तू, क्या हुआ? हिल क्यों रहा है? देख रहे हो आप ट्रैफिक कितना है, घुसंड भरी हुई है, घुसंड 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 है घुसंड, आदमी कहाँ से कहाँ घुस रहा है पता नहीं। लेकिन अपने को क्या, अपने तो पहुंचने से मतलब है, क्या ट्रैफिक हो तो भी जाना है, नहीं होगा ट्रैफिक तो भी जाना पड़ेगा यार। शॉर्टकट नहीं है कहीं? शॉर्टकट तो नहीं, शॉर्टकट आगे से है और लेकिन वहाँ आप देख तो गाड़ी की जो फर्स्ट क्लास है सबसे पहले उस पर लेमिनेशन कर रहे हैं, बहुत हीट होती है। अब जो सेकेंडली जो चल रही है अब ये मड गाटर पे, गाड़ी का जो मड गाटर है उस पर लेमिनेशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से एकदम क्लीन एंड बढ़िया तरीके से अब थोड़ा सा इसे हीट कर रहे हैं, तो ये अच्छी तरीके से हो जाए। अब जो नेक्स्ट बारी आती है हमारी आती है टंकी वगैरह या उस चीज़ की। तो अभी जो चल रही है अभी मड गाटर पर ही चल रही है। तो ये अभी देखो फिनिशिंग दे रहे हैं इसे, और ये अब हमारी बारी है टंकी की। जो टैंक है हमारा टंकी है जो गाड़ी की, अब उस पर जो मैंने जो लेमिनेशन कराई है रेड कलर में, क्योंकि वाइट थोड़ा गलत अच्छी नहीं दिखाई देती, मतलब धब्बे धब्बे टाइप के दिखाई दे रहे थे, एकदम क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं टंकी पर क्यों ना रेड कराई जाए। तो अभी देखो इसे जो फाइनल जो टच दे रहे हैं, इसे जो फाइनल मतलब इसे एकदम डिजाइनदार काट रहे हैं जो चाकू से, इसका जो एक्स्ट्रा जो है उस चीज़ को निकाल रहे हैं प्रॉपर तरीके से, एकदम क्लियरेंस इसे कहना फाइनल टच देना है, क्लियर करना एकदम उसको कहना है जो लेमिनेशन है उस चीज़ को। आप देख सकते हो वीडियो में किस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है कि जो एक्सपल्स लिखा हुआ है थोड़ा रेड हो गया है डार्क, और ही मज़ेदार मतलब आ रहा है देखने में। और ये देखो अब ये टंकी है जो पेट्रोल लगा उसका जो ढक्कन है उसको जो लेमिनेशन लगी थी एक्स्ट्रा उसको निकालें, ये निकाल दी। अब ये बता दूँ मैं आपको जो मैंने गाड़ी में लेमिनेशन कराई, अब इसके बाद है जो गाड़ी की सीट कवर, जो कंपनी ने जो सीट कवर दिया था वो ओरिजिनल था, सीट कवर कंपनी का ही था, बट लेकिन मैंने क्या किया मैंने उसके ऊपर एक कवर और लगवा दिया ताकि मजबूती बनी रहे,
आपको बता दूं हमारे यहाँ जो बंदर काफी है, तो बंदर काफी बंदर इतने कि जो जीप चोरों को छोड़ते हैं अगर गाड़ी बाहर आपने खड़ी कर दी तो इसी लिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर सीट कवर लगवाया जाए ताकि हमारी गाड़ी की जो सीट है वो मजबूत रहे और अच्छी रहे, आगे तक चलती रहे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वो सीट कवर उसे, ये देखो फाइनल हो गया हमारा सीट कवर, फाइनल हो गया। अब हमारे जो आप देख रहे हैं हैंडल के पास, हमारे जो गियर के पास जो है रिम, उसे क्या बोलते हैं, जो मुझे नाम पता नहीं, नकल गार्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं, उस चीज़ पे भी लेमिनेशन मैंने कराई थी। क्यों ना मैंने कराई जाए, और रात हो चुकी काफ़ी। ये आप जो मशीन देख रहे हो, ये मैं एक्चुअली अपनी गाड़ी के जो मेन फ्रंट पे अपने यूट्यूब का लोगो और प्लस यूट्यूब का नाम वो मैं इस मशीन से छपवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है रेहान शर्मा के नाम से, तो मैंने वो चीज़ देखो आप बन रही है, ये देखो लग चुकी। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगाई है उन्होंने, आगे लोगो है यूट्यूब का और प्लस सामने लिख रखा है रेहान शर्मा यूट्यूब नाम। तो आप सर्च करेंगे तो इससे आप मेरे चैनल का नाम निकल के आएगा रेहान शर्मा के नाम से, अल्टीमेट आप देख सकते हैं। फाइनली मेरी गाड़ी जो लेमिनेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने पूरी गाड़ी को मतलब टंकी वगैरह मडगाटर वगैरह और सारी चीज़ मैंने गाड़ी के साइड में सब एकदम मैंने लेमिनेट करा दिया है, रेड एंड ब्लैक बोथ दोनों साइड से। यूट्यूब का लोगो भी लग गया है। बोलो बोलो। और फाइनली हमने इसमें लगवा लिया यूट्यूब का लोगो, और प्लीज देख के करें सब्सक्राइब हमारे चैनल को। अभी इसमें गणेश जी और होंगे सुबह, गणेश जी बहुत बहुत जरूरी है विंड ग्लास हैं, सुबह लगाएंगे इस पर गणेश जी विंड ग्लास पे, जो गए बोले कि भाई सुबह के निकले हुए हैं फाइनली, अब जाके टाइम मिला है। आप देख सकते हो रोडों पर कितनी भीड़ है, एक तो एक्चुअली त्यौहार है ना उसकी भीड़ ज़्यादा है मुझे ऐसा लगता है, दिवाली निकल के गई है ये, यहाँ तक हमें भीड़ मिलेगी, इसके बाद हमें आई थिंक भीड़ नहीं मिलनी चाहिए। अब पुरानी गाड़ी होती ना वो तो मैं निकाल देता इसे सच में। मज़ा आ रही है मज़ा, और देखो काफ़ी भीड़ है रोड पर, टाइम कितना हो गया बोलो, रात के बजे हैं सात है, बोलो रात रात के बज गए साढ़े सात। आराम से अंकल, इस साइकिल वाले एक्चुअली ज्यादा जल्दी में रहते हैं मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक ये आंटी भी को ज़्यादा जल्दी में है, मुझसे ज़्यादा जल्दी में पूरी दुनिया है, मैं थोड़ा मैं ही कम जल्दी में हूँ ऐसा लगता है मुझे, एक्चुअली ट्रैफिक काफ़ी है रोड पे तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई नहीं मैं आराम से जाना है, ज़्यादा जल्दी में जाने की जरूरत नहीं है, सही तो पहुँचना है। अरे निकालो यार, मैंने फाइनली सारी गाड़ी पे लेमिनेशन करा लिया है, और लेमिनेशन जो मैंने कराया है तो काफ़ी कॉस्टली कर रहे थे, बट लेकिन मैंने भैया से कह कहा के थोड़ा बहुत कम भर्ती करा दिया, तो पूरा टोटल उनका लेबर चार्ज वगैरह सब कुछ उन्होंने लगाया है, तो मुझे पड़ा है 1100 रुपये का, जो शगुन के 1100 रुपये होते हैं आई थिंक, वो इतना गुस्सा लोगों के फेस पर इतना गुस्सा है, क्योंकि एक्चुअली ट्रैफिक काफ़ी है रोड पर तो गुस्सा तो बनता है, मुझे भी गुस्सा आता है अगर ट्रैफिक होता है तो, क्या कर सकते हैं ट्रैफिक है बहुत चल सकती है यहाँ पे, इतना ट्रैफिक है इतना बता नहीं सकता, ओ माय गॉड इट्स नॉट गुड, इतना सारा ट्रैफिक, पहले घर में गाड़ी चलाना ठीक है बेटर रहेगा आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है
लोग देखते हैं गाड़ी को यार, ये तो है ना। बोलो बोलो, लोग गाड़ी को देखते तो हैं, ये तो है। लोगों को फिल्म में कुछ होता है, होता है ना। बोलो बोलो, देखते हैं नई गाड़ी, देखते हैं नई गाड़ी। नहीं गाड़ी एक अलग है इसलिए देख, गाड़ी अलग है इसलिए देखते हैं। नई गाड़ी तो तू करा में वो ले ले, क्या बोलता है भैया ने लिया जो, क्या बोलता है उसका अपाचे आरटीआर 160, उसे कौन देखेगा क्योंकि वो सबके पास है, नेसेसरी है, समझ रहे हैं। बोलो वो मोस्टली सबके पास आ जाती है। घर पर पता नहीं क्या कहेंगे वो लोग, आज कहेंगे तुम तो अलीगढ़ में रह जाते हैं। बोलो भूख लग रही है क्या? सोच रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए, क्योंकि भाई सुबह के निकले हुए हैं 12:30 के, तो कुछ बनता तो है। गाड़ी की स्पीड बस ओनली 20 चल रही है, इसके बाद एक यू टर्न है। अगर कुछ खाना नहीं होता ना तो मैं शॉर्टकट लेता यहाँ से डायरेक्ट वहीं निकल जाता, लेकिन अभी कुछ खाना है ना, भूख लग रही है कि मुझे भी एंड तुझे भी, दोनों को लग रही है। तुझे भी एंड मुझे भी भूख लग रही है, तो हम कुछ खाएंगे हल्का फुल्का सा, हल्का सा फुल्का सा। क्या खाएगा फुल्का सा? बढ़िया सा, बढ़िया सा। अरे यहाँ वो बनाता था गोलगप्पे एकदम बेहतरीन वाले, या वाह। अरे यहाँ जगह भी नहीं है तो गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खाते हैं फिर, और छोले कुलचे कहाँ मिलेंगे यहाँ डार्लिंग? पहले गोलगप्पे खाते हैं उसके बाद। गाड़ी में जो काम था मैंने फाइनली करा दिया है, मैंने आपको दिखाया था गाड़ी वीडियो में दिखा रखा है कि मुझे गाड़ी में लेमिनेशन करानी थी, क्योंकि अगर गाड़ी राइड करती है थोड़ा लंबा रूट के लिए तो ऐसा होता है रोड कुछ ख़राब होते हैं। आपको पता है जो गाड़ी है मेरी वो ऑफ रोडिंग गाड़ी है, तो उस पर्पज़ से मैंने टंकी वगैरह और क्या नाम है मड गार्डर वगैरह पर लेमिनेशन करा दी है, और लेमिनेशन जो मैंने कराई है थोड़ी हार्ड कराई है मोटी, जिससे कि क्या नाम है कोई कंकड़ी भी लगे उस पर तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, स्क्रेचेस वगैरह ना आए। तो भाई अपनी गाड़ी है तो सेफ्टी, मतलब सेफ्टी भी हमें रखनी पड़ेगी गाड़ी की, तो केयर भी हमें करनी पड़ेगी गाड़ी की, तभी आगे जाके वो आपके साथ भी केयर करेगी। तो मुझे बताइए मैंने जो लेमिनेशन कराई है आप लोगों को पसंद आई या नहीं पसंद आई, आपको मेरा वीडियो मेरा कंटेंट कैसा लगा, और हाँ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वगैरह ना भूलें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ना पहुँचे। तो मेरा जो पर्पज़ था, जो मेरा उद्देश्य था, यही था कि मैं आपको उसका एक छोटा सा वीडियो दे सकूं, क्योंकि मैं उसमें दिखाना चाहता था किस तरीके से गाड़ी को लेमिनेट कराते हैं जो भी है, और आपने देख ही लिया है लेमिनेशन मैंने करा ही दिया। तो आपको पसंद आए तो ओके लाइक करें। तो अभी रात के बज चुके हैं आई थिंक 8:30 9 बज रहे हैं, तो मिलते हैं मॉर्निंग, तब के लिए जय हिंद वंदे मातरम, और अपना ख्याल रखें, तंदुरुस्त रहें और फिट रहें। ओके बाय बाय।